वेलकम टू डेली करंट अफेयर। टुडे इज 5th of January 2023। द क्वेश्चन इज प्रेसिडेंट जो हमारी द्रौपदी मुर्मू है इनॉग्रेट्स संविधान उद्यान इन दैट इज बी जयपुर। जो जयपुर राजस्थान में उन्होंने क्या किया, इन्होंने इनॉग्रेट किया है संविधान उद्यान। ठीक है, कहाँ पे? मयूर स्तंभ, नेशनल फ्लैग पोस्ट, स्टैच्यू ऑफ महात्मा गांधी, महाराणा प्रताप एट राजभवन जयपुर में इन्होंने ये इनॉग्रेट किया है। ठीक है, तो कब इनॉग्रेट किया है? 3rd of January 2023 को उन्होंने इनॉग्रेट किया है। इसी ओकेजन पे उन्होंने एक ट्रांसमिशन, मतलब कि ये सबको वर्चुअली इनॉग्रेट किया है इन्होंने, ट्रांसमिशन जो है वो ट्रांसमिशन सिस्टम फॉर सोलर पावर सेक्टर, ठीक है, राजस्थान के लिए। ठीक है, 1000 मेगावाट का जो सोलर पावर प्रोजेक्ट है बीकानेर में, जो कि SJVN बना रहा है, सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड जो वो बना रहा है, ठीक है, उसको भी इन्होंने वर्चुअली जो है उन्होंने इनॉग्रेट किया है। क्या क्या इनॉग्रेट किया है? नंबर एक संविधान उद्यान, नंबर दो मयूर स्तंभ, नंबर थ्री नेशनल फ्लैग पोस्ट, नंबर फोर स्टैचू ऑफ महात्मा गांधी एंड नंबर फाइव स्टैचू ऑफ महाराणा प्रताप। ठीक है, कहाँ पे? राजभवन जयपुर में। और छठी चीज़ क्या इन्होंने इनॉग्रेट किया है? ट्रांसमिशन सिस्टम दैट इज सोलर पावर प्लांट, जो कि SJVN ने बनाया है। कहाँ पे? राजस्थान में। ठीक है, तो इसी आयोजन पे उन्होंने प्रेसिडेंट मुर्मू ने ये बोला था कि हम मूविंग फॉरवर्ड फ्रॉम पंचायत टू पार्लियामेंट हाउस, मतलब कि जो वुमेन्स हैं उनकी पार्टिसिपेशन जो है पंचायत से लेके अब पार्लियामेंट हाउस में भी बहुत ज़्यादा हो रही है। आजकल हमारे पास 100 से ज़्यादा वुमेन जो है वो पार्लियामेंट में है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। हु बिकेम्स फर्स्ट वुमेन ऑफिसर्स टू बी ऑपरेशनली डिप्लॉयड इन सियाचिन, ठीक है, दैट इज़ ए शिवा चौहान। तो शिवा चौहान हमारी पहली वुमेन ऑफिसर्स हैं जो ऑपरेशनली डिप्लॉयड है सियाचिन ग्लेशियर में। ठीक है, तो कैप्टन शिवा चौहान फ्रॉम द कॉर्प्स ऑफ इंजीनियर, ये आपने याद रखना है, कॉर्प्स ऑफ इंजीनियर से बिलोंग करती है। ठीक है, सियाचिन ग्लेशियर में इनकी पोस्टिंग हुई है, पहली वुमेन ऑफिसर है जो कि सियाचिन ग्लेशियर में क्या है उनकी पोस्टिंग हुई है। ठीक है, अब ऑपरेशन मेघदूत, ऑपरेशन मेघदूत हमारा सियाचिन से रिलेटेड है। कब हुआ था? 1984 में, 13th of April 1984 में जो पाकिस्तान वाली ट्रूप्स थे उन्होंने सियाचिन पे कब्जा कर लिया था, तो इंडिया ने ऑपरेशन मेघदूत नाम का एक ऑपरेशन लॉन्च किया था जिसके थ्रू हमने इसको वापस ले लिया था। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चाइनाज न्यू एंड यंगेस्ट फॉरेन मिनिस्टर, ठीक है, जो चाइना के न्यूएस्ट फॉरेन मिनिस्टर हैं, ठीक है, और यंगेस्ट फॉरेन मिनिस्टर हैं सबसे ज़्यादा, दैट इज़ क्वीन गैग उनका नाम है, वो 56 ईयर्स ओल्ड है। वो वांग यी, पहले वांग यी थे इनके फॉरेन मिनिस्टर, उनको उन्होंने रिप्लेस किया है, दैट इज़ क्वीन गैग, ही इज़ 56 ईयर्स ओल्ड। सो चाइना ने इसको अपॉइंट किया है इट्स एम्बेसडर टू द यूनाइटेड स्टेट एंड ट्रस्टेड एडी टू द शी जिनपिंग। ठीक है, तो ये इनके सबसे यंगेस्ट एंड न्यूएस्ट फॉरेन मिनिस्टर हैं, दैट इज क्वीन गैग। CRPF सेलिब्रेटेड जश्न ए चिलाई कलन विद द स्टूडेंट्स इन कश्मीर। सो कश्मीर में एक फेस्टिवल होता है, उसका नाम है चिलाई कलन। ठीक है, ये चिलाई कलन क्या होता है आपने ध्यान रखना है, ये 40 दिन का फेस्टिवल होता है। ठीक है, इसके तीन पार्ट होते हैं। ठीक है, सबसे पहला जो पार्ट है वो है 21 दिसंबर से 29 जनवरी तक, जो कि सबसे ज़्यादा ठंडी इसी टाइम पड़ती है, उसको बोलते हैं हम चिलाई कलन। ठीक है, उसके बाद जो है 20 दिन का एक लंबा टाइम पीरियड आता है, उसको बोलते हैं चिलाई कुर्ड। चिलाई कुर्ड मतलब कि स्मॉल कुर्ड, इस टाइम थोड़ी कम जैसी ठंड होती है। ठीक है, जो कि 30 जनवरी से 18 फरवरी तक होता है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, 10 दिन का एक और होता है चिलाई बच्चा, उसको बोलते हैं हम चिलाई बच्चा, मतलब कि बेबी कोल्ड, थोड़ी कम जैसी ठंड हमारी इसमें होती है। तो आजकल कौन क्या क्या चल रहा है, चिलाई कलन चल रहा है, जो कि 21 दिसंबर से 29 जनवरी तक होगा, दैट इज़ मतलब इसका मतलब है कि बहुत ही ज़्यादा ठंड जो है इस टाइम यहाँ पर पड़ती है। वर्ल्ड ब्रेली डे सेलिब्रेट्स ऑन दैट इज़ सी 4 जनवरी। सो 4 जनवरी को वर्ल्ड ब्रेली डे जो है मनाया जाता है। ब्रेली क्या होता है? ब्रेली एक तरह की स्क्रिप्ट होती है, ठीक है, जो लोग देख नहीं सकते हैं ना, वो अपने हाथों से यहाँ पे उभरे हुए इस तरह के अक्षर होते हैं। ठीक है, तो लोग क्या करेंगे, अपने हाथों से इसको टच करेंगे और फिर इसको क्या करेंगे, इसको पढ़ सकते हैं कि क्या लिखा हुआ है। तो इसको बोलते हैं हम ब्रेली लिपि बोलते हैं एक तरह के इसको। ठीक है, इसी के उपलक्ष्य में 4 जनवरी को ये मनाया जाता है वर्ल्ड ब्रेली डे।
ठीक है, यूनाइटेड नेशन ने इसको 2019 से मना रहा है। क्यों मना रहा है? क्योंकि इस दिन जिसने लुईस ब्रेली वो इंसान थे जिन्होंने ये ब्रेली की लिपि जो है उन्होंने बनाई थी, इन्होंने इन्वेंट की थी, तो उन्हीं के जन्मदिन के उपलक्ष पे इस 4 जनवरी को क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड ब्रेली डे मनाया जाता है। और लुईस ब्रेली का जन्म हुआ था 4 जनवरी 1809 को। अब कुछ इंपॉर्टेंट डेज है जनवरी के, लाइक 1 जनवरी को न्यू ईयर है और ग्लोबल फैमिली डे, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 4 जनवरी को वर्ल्ड ब्रेली डे। अब 6 जनवरी को आएगा वर्ल्ड वॉर ऑर्फन डेज, ठीक है। 8 जनवरी को अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस फाउंडेशन डे। 9 जनवरी को NRI डे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 10 जनवरी को वर्ल्ड हिंदी डे, ठीक है। 11 जनवरी को नेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग अवेयरनेस डे एंड नेशनल रोड सेफ्टी डे। डेथ एनिवर्सरी ऑफ लाल बहादुर शास्त्री के भी डेथ एनिवर्सरी इसी दिन है। 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे। 14 जनवरी को मकर संक्रांति है, लोहड़ी डे एंड पोंगल भी इसी दिन होता है तमिलनाडु में। एंड 15 जनवरी को इंडियन आर्मी डे। 18 जनवरी नेशनल इम्यूनाइजेशन डे, पोलियो डे। 23 जनवरी नेताजी सुभाष चंद्र बोस बर्थडे, वेरी इंपॉर्टेंट। 24 जनवरी नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। 25 जनवरी नेशनल टूरिज्म डे एंड नेशनल वोटर्स डे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 26 जनवरी रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया एंड इंटरनेशनल कस्टम डे। 27 जनवरी इंटरनेशनल हॉलोकास्ट डे एंड इंटरनेशनल डे ऑफ कॉमोरेशन। 28 जनवरी बर्थ एनिवर्सरी ऑफ लाला लाजपत राय एंड डाटा प्रोटेक्शन डे। एंड 30 जनवरी को वर्ल्ड लेप्रोसी इरेडिकेशन डे एंड महात्मा गांधी मार्टायर्ड डे, मार्टायर्ड डे भी इसी दिन मनाया जाता है। सो इंडियाज अनएम्प्लॉयड रेट राइजेज टू -- इन दिसंबर 2022, दैट इज़ 8.30%। 8.30% से जो है हमारा पास अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो इंक्रीज हुआ है। कब हुआ है? दिसंबर 2022 में, ठीक है। तो ये 16 मंथ, मतलब कि पिछले जितने भी 16 मंथ है ना, उसमें ये सबसे ज़्यादा जो है इंक्रीमेंट हुआ है, 8.30%, ठीक है। ये डाटा कहाँ से आया है? ये है सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, इन्होंने ये डाटा पब्लिश किया है, ठीक है। नवंबर में ये 8% था, बट अभी क्या हुआ, दिसंबर में ये इंक्रीज होके 8.30% वो हो गया, ठीक है। अर्बन, अब शहरी जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो 10.09% जो है बढ़ा है दिसंबर में, ठीक है। और क्योंकि नवंबर में 8.96 था और दिसंबर में 10.09% हो गया अर्बन एम्प्लॉयमेंट। और रूरल अनएम्प्लॉयमेंट क्या था? 7.55 था, वो जो है 7.44% जो है रह गया है रूरल अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली द अनएम्प्लॉयमेंट रेट हैज़ इंक्रीज इन दिसंबर 37.1%, विच इज़ गेन इन द हाईएस्ट गेन इन द जनवरी 2022। अब दिसंबर में अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो इंक्रीज़ हुआ है 37.4% इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ हरियाणा, नॉर्दर्न स्टेट ऑफ हरियाणा, जिसे नॉर्थ स्टेट है ना, तो सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट हरियाणा में है, 37.4% इंक्रीज़ हुआ है। उसके बाद राजस्थान में 28.5% इंक्रीज़ हुआ है और दिल्ली में 20.8% जो है वो इंक्रीज़ हुआ है। ये 3 स्टेट्स आपने याद रखना है। हु बिकेम्स द फर्स्ट कंट्री इन एशिया एंड सेकेंड कंट्री इन द वर्ल्ड टू लॉन्च हाइड्रोजन पावर्ड ट्रेन, दैट इज सी चाइना। पहले नंबर पे है जर्मनी, जर्मनी की सबसे ज़्यादा जो है हाइड्रोजन पावर्ड ट्रेन है। उसके बाद आ गया आप चाइना, चाइना एशिया की पहली कंट्री है और वर्ल्ड की दूसरी कंट्री है जिनके पास हाइड्रोजन जो है वो पावर ट्रेन है। तो चाइनीज़ कंपनी है CRRC कॉरपोरेशन लिमिटेड, उन्होंने एक ट्रेन बनाई है हाइड्रोजन ट्रेन, जिसकी जो टॉप स्पीड है 160 किलोमीटर पर आवर्स है, ठीक है। एक बार इसको फ्यूल करने पर ये 600 किलोमीटर तक चली जाती है, ठीक है। अब जर्मन कोराडिया इलिंट सीरियल ट्रेन, ठीक है, इनकी ये ट्रेन है, इन्होंने फ्रेंच कंपनी अल्सोम ने इसको बनाया है, ठीक है। और जो चाइना की ट्रेन है ना, वो एक बार फ्यूलिंग करने पे 600 किलोमीटर जाती है, बट जर्मनी की जो ट्रेन है वो एक बार फ्यूलिंग करने पे 1175 किलोमीटर जो है वो चली जाती है, उसके बाद उसको रिफ्यूलिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो दूसरी कंट्री बनी है वर्ल्ड की चाइना, और पहली कंट्री कौन है वर्ल्ड की? वो है जर्मनी। न्यू जलपाईगुड़ी विच हैज़ बीन इन द न्यूज़ इन रिलेटेड टू वंदे भारत एक्सप्रेस इज लोकेटेड इन विच स्टेट, दैट इज सी वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल में हमने 7th वंदे भारत ट्रेन जो है वो स्टार्ट की है, कहाँ से? होवड़ा से न्यू जलपाईगुड़ी, ठीक है, ये है वेस्ट बंगाल में। तो नरेंद्र मोदी ने इसको वर्चुअली जो है इसको फ्लैग ऑफ किया है, ठीक है। ये जो ये जलपाईगुड़ी है ना, ये सिलीगुड़ी में है, एक रेलवे स्टेशन इन वेस्ट बंगाल।
तो जलपाईगुड़ी कहाँ पे है, ये रेलवे स्टेशन है सिलीगुड़ी में, कहाँ पे, वेस्ट बंगाल में। और यहीं से हमारा क्या होता है, नॉर्थ ईस्ट के लिए कनेक्शन, यहीं से नॉर्थ ईस्ट के लिए हमारा एक रास्ता जाता है, ठीक है। द वंदे भारत एक्सप्रेस कवर्स कितना डिस्टेंस कवर करेगी, 564 किलोमीटर इन 7.45 आवर्स, बीच विल आवर्स, मतलब कि 3 घंटे का ये रास्ते को, टाइम को जो है वो सेव करेगी वंदे भारत एक्सप्रेस। तो ये इंडिया की 7th वंदे भारत ट्रेन है, ठीक है, आपने याद रखना है, ठीक है। ये वंदे भारत ट्रेन किसके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगी, किसके लिए प्रेफर की जाएगी, जो टी इंडस्ट्री से रिलेटेड जो लोग हैं, एग्जीक्यूटिव्स हैं, और जो टूरिस्ट हैं जो कि हिमालयाज और नॉर्थ नॉर्थ बंगाल एंड सिक्किम को जाना चाहते हैं ना, दार्जिलिंग वगैरह जाना चाहते हैं, सिक्किम जाना चाहते हैं, तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा जो है इंपॉर्टेंट होने वाली है ये ट्रेन, क्योंकि ये टाइम की बचत बहुत ज़्यादा करेगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।